एक दूजे के निजी दोषों नूं छड के असीं वी इस उपराले नूं वड्डा करके चुकीए जिथे अज दुनिया समर्पित आ तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणा च साडा फर्ज बनता है। गुरु नानक देव साहिब महाराज का सुनिया जिहड़ा लोकाई तक पहुंचाउणा बहुत जरूरी आ। अज असीं आपस च वंडियां पाईआं ने दूजे धर्मां दे लोकां नूं, कई लोग माड़ा चंगा भी बोल दिंदे ने, ऐसे अल्फाजा का इस्तेमाल भी किया जाता दूजिया के धर्मां दे प्रति। असीं गुरु नानक देव साहिब महाराज का सच्चा सुनिया पहुंचाउण च कितने कितने नाकाम हो रहे हैं। मैनू दो तीन वारा मौका मिलिया पाकिस्तान जाके तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज के चरण छो महान स्थाना के दर्शन करन दा। पिछले दिनों के अंदर मैं और दिल्ली कमेटी के प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के सानू एक मौका मिलिया, असी पाकिस्तान दर्शन करन गए। करतारपुर साहब की उस महान धरती के दर्शन किए जिथे गुरु साहब ने आप किरत कमाई, जिथे गुरु साहब ने आप खेती की। जदों असीं उत्थे बैठे सी उत्थों दे जिहड़े सेवादार सी उन्हें सानू कहा जी कि तुसीं लंगर छक के जायो जे, असीं विशेष करके क्योंकि तुसीं आ रहे सी उन्हां खेतां चों जिथे गुरु नानक देव साहिब महाराज जी ने आप खेती की, उन्हां खेतां दी कणक दा आटे दी तुहानूं असीं रोटी छकाउणा चाहुंदे हां। साध संगत जी यकीन मन्नियो सानू ए लगा कि दुनिया की सब तो वड्डी खुशी अज साडी झोली पई आ। उस महान स्थान जिथे गुरु नानक देव साहिब महाराज जी ने आप किरत की, अज उस खेतां दी साडे वर्गे पापियां नूं रोटी नसीब हो रही आ। उस लंगर दी रोटी छक के ऐ जगिया जिवें दुनिया दीआं सारीआं खुशियां अज असीं लै चलने आ। वो इतना महान और पवित्र स्थान पर साडे आपस वंड वडेरे जिहड़े ने सानू कमजोर करी जा रहे ने। अज साडा फर्ज बनता है असी दुनिया के हर शख्स नूं दस सकीए गुरु नानक देव साहिब महाराज की जिहड़ी फिलोसफी सी, जो उन्हां दी सोच सी वह कायनात वास्ते सी, कोई किसी एक धर्म से सीमित नहीं सी, किसी एक फिरके वास्ते सीमित नहीं सी। पर यकीन मन्नियो असी नाकाम होए हां। अज जे तुसी किसी नूं पुछो लोग गुरु नानक देव साहिब महाराज नूं सिखां दा गुरु दसते ने, लोग दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज नूं सिखां दा गुरु दसते ने। इत्थों तक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पुछो, लोग कहणगे सिखां दे गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। असीं सणिया देण च नाकाम रहे, ये सरबत दे भले की गल करन वाले लोग सिख इस गुरु चरणा च जरूर नतमस्तक आ, पर ये गुरु जगत दे गुरु आ, ये सणिया देण च असीं नाकाम रहे। क्यों आपां अपणियां वंडियां च ही वंडे रहे, असीं लोगां नूं प्रेर के गुरु चरणा नाल जोड़ नहीं सके, दस नहीं सके इस महान गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महानता नूं, दस नहीं सके, सुनिया नहीं पहुंचा सके गुरु नानक देव साहिब महाराज जी की इस महान फिलोसफी का। मैं अज समझदा है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने पिछले चार साल तो एक ईमानदारी के नाल, एक बहुत ईमानदारी के नाल एक उपराला शुरू किया। वो ये जिथे साडियां बाणियां दे उत्ते किंतु परंतु किया जाता सी, भावें दसम ग्रंथ की बाणी होवे, जिहड़ियां भी प्रमाणित बाणियां ने उन्हां दी गुरु घरां दे अंदर उन्हां दा वध तो वध उपमा गाई जा सके। उपराला किया जिहड़े महान साडे पुरु सीगे, जिहड़े महान साडे जरनैल सीगे, जिहड़ा महान साडा इतिहास सी, उस नूं सुरजीत किया जावे। उस दे चलदे गुरु प्यारे साध संगत जी आपने देखिया कि इस तरीके आप दिल्ली दीआं संगतां दी हिम्मत सदके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे तरस सदके आपां लाल किले दे उत्ते जाके ओह केसरी निशान वापस चलाए, जिहड़े कदी बाबा बंदा सिंह, बाबा बघेल सिंह जी ने, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया जी ने और बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने चलाए सी। दिल्ली दे लोगां नूं इस गल दा कदी पता नहीं, इलम भी नहीं, दिल्ली दे लोगां नूं एहसास भी नहीं कि क्यों सी बाबा बघेल सिंह जी, क्यों तीस हजारी कहा जाता है, तीस हजारी कोट नूं क्यों मठियाई पुल कहा जाता है, ते क्यों मोरी गेट कहा जाता है पानी दिल्ली दे अंदर। ये सारी इतिहासिक चीजां जिहड़ियां सी अपने सिख जरनैलां दे नाल जुड़ियां सी, क्योंकि मुगल राज दे अंदर सब तो पहला अगर आके उस लाल किले नूं किसी ने झुकाया, उस लाल किले तो जिस तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी शहादत दे हुक्म सुनाए गए सी, अगर सब तो पहला आके किसी ने उसनूं चुकाया अपने चरणा के अंदर, अगर किसी ने आके
अपना केसरी परचम लहराया, मुगल राज दा खात्मा करन दा सपना देखिया सी, ते ओ सी बाबा बंदा सिंह जी बहादुर। और उन्हां तो बाद उस परंपरा नूं अगे लैके गए बाबा बघेल सिंह जी, जिस महान स्थान ते आपां बैठे हां, जिस महान स्थान ते आपां नूं अज मौका मिल रहा है, ये महान स्थान दी बाबा बघेल सिंह जी, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया और बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने उस वेले कायम किए, जदों दिल्ली फतेह की, लाल किले ते केसरी निशान चलाए और उत्थों दी सरकार नूं मजबूर किया। ये उस वेले दियां सारियां उसारियां दिल्ली दे गुरु घरां दियां ने, पर आपां इस सुनहरी इतिहास नूं भुल गए। आपने इस मुल्क दियां सरकारां ने भी यही ठीक समझिया, इस इतिहास नूं कदी लोगां दे सामने ना आउण दित्ता जावे, क्योंकि हमेशा सानूं इक्को गल सुनाई गई कि गोरियां तों इस मुल्क नूं आजाद कराया महात्मा गांधी ने, गोरियां तों इस मुल्क नूं आजाद कराया और आजादी वास्ते लड़ाई लड़ी जवाहर लाल नहरू ने। कदी तुहानूं इह नहीं किसी ने दस्सिया, इह सब झूठ आ। इस मुल्क नूं अगर किसी ने सब तों पहला आजाद कराया सी तो मुगलां तों आजाद कराया सी बाबा बघेल सिंह जी ने, उस महान जरनैल ने जिहड़ा ना केवल इस मुल्क नूं आजाद कराया, लाल किले ते केसरी निशान चलाया, बल्कि वह तख्त भी तख्ते ताउज जिदे ते बैठ के मुगल अपनी बड़ी आन और मान शान समझा करते सी, उसे तख्ते ताउज तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का हुक्म सुनाया गया सीगा। उस तख्ते ताउज नूं पुट के हाथियों नाल बन के श्री अकाल तख्त साहब के चरणा च लाके सुट दिता। ये स्थान तुहाडा साडे गुरु चरणा दे स्थान दे चेहरां च अज पिया, अज भी वह तख्ते ताउज रामगढ़िया बूंगे च पिया। इतिहास देख के आओ।